सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधा मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। मेरठ से खबर है जहां पर दबंग संगठन का शिकार हुई है मुस्लिम युवती और चाय बेचने वाली युवती को भीड़ ने पीटा है। दुकान हटाने की संगठन ने धमकी दी थी और दुकान नहीं हटाई तो युवती की पिटाई कर दी गई, लूटपाट भी की गई है। अधमरी युवती जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है और युवती की पिटाई के बाद थाने का घेराव भी किया गया। पीड़ित युवती पर केस दर्ज कराने का दबाव बनाया गया है और नेताओं ने थानेदार सीओ से अभद्रता की है और अभी तक युवती की ओर से केस भी दर्ज नहीं किया गया। दिल्ली गेट के खैर नगर इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया है जहां पर युवती को जमकर पीटा भी गया है। नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। नरेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये कौन संगठन है, दबंग संगठन है जो इस युवती को परेशान कर रहा है और आखिर क्या वजह है कि इस युवती को काम नहीं करने दिया जा रहा? देखिए, एक धार्मिक, एक धर्म से जुड़ा हुआ ये संगठन है जो लगातार इस लड़की को इसकी दुकान हटाने की धमकी दे रहा था। ये गरीब परिवार की लड़की है, इसके पिता नहीं है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी इसके ऊपर है और ये चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती है। कल रात को इसके ऊपर हमला किया गया, कुछ इलाके के लोग थे और उसी संगठन के कुछ नेता भी थे और इस लड़की को इतना पीटा गया कि इसको वहीं अधमरा कर दिया गया। और हैरत की बात देखिए कि वही आरोपी पीड़ित बनकर थाने पहुंच गए और पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर इस लड़की के खिलाफ SC ST Act का मुकदमा भी दर्ज करा दिया और पुलिस ने अभी तक इस लड़की के ओर से ना तो कोई तहरीर लेकर केस दर्ज किया है और ना ही इस लड़की का हालचाल जाना है। कोई सहारा नहीं है, माँ अकेली है, रो रही है, अस्पताल में पड़ी हुई, लेकिन इंसाफ के जो मुलाजिम है वो सुनने वाले ही नहीं, जो इंसाफ देने वाले हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं और इस मामले को एक मामूली मामला बताकर दबाया जा रहा है। ये इंसाफ का तकाजा है, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जो इंसाफ देने वाले हैं वही अपने पैर पीछे खींचे हुए हैं केवल उस संगठन के दबाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी से भी जुड़ा हुआ संगठन है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र। और अब खबर फर्रुखाबाद।